दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूं पंजाब के संगरूर के इलावाड़ा गांव में। आपको ये प्यारी सी हवेली दिखाऊंगा, इसके मालिक है जी प्रेम शर्मा जी। ठीक है जी, अमन हवेली के नाम से हवेली है। ये देख लो कितनी सुंदर इन्होंने हवेली बनाई है। पूरी जानकारी लेंगे इस हवेली के बारे में, ठीक है। और जो इनके बच्चे हैं इंग्लैंड में पढ़ते हैं, पूरी हवेली घुमाऊंगा, इनसे बातचीत करेंगे, इनके परिवार वालों के बाद बारे में बताएंगे। और शर्मा जी को एक शौक है एंटीक कलेक्शन का, इनके पास आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपने कभी नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दो। मैं संगरूर के साथ पंडित इलावाड़ का रहने वाला हूँ जी। मैं तो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता था। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में सर? पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस में थे? हाँ। अच्छा, क्या ओहदे पे थे? मैं इंस्पेक्टर टायर हूँ। अरे वाह, आपने हवेली बहुत जबरदस्त बनाई है भाई साहब। नहीं वैसे हमारा शौक ही है। अच्छा, शौक है, कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं। अच्छा, शौक है। अच्छा, किसान हो आप? हाँ, हम किसान। अच्छा, आप कितने भाई हो? हम चार भरा है। चार भरा हो। अच्छा, जो प्यो के पास प्यो के पास जमीन थी, कितने किले सी? हमारे पास 18 किले। 18 किले। अभी कितनी? अभी 18 है। मतलब ना बढ़ाई ना घटाई। ना बढ़ाई, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको एंटीक कलेक्शन का शौक लगा सर, मारी ये कहाँ से लगा? जी वैसे ही शौक था। शौक था? हाँ, वैसे। अच्छा, ये कोठी कब बनाई आपने हवेली? जी मैंने आप ही बनाई है। हाँ जी, आप ही बनाई है मैंने। अभी बनाई है? कितना साल, कितना टाइम हो गया? साल तो काफी देर होगी। मैंने आपकी स्कीम से बनाई है। अच्छा, मैं दसवीं में पढ़ता था जब बनाई थी। अच्छा, दसवीं में पढ़ते थे। हाँ, बहुत बढ़िया डिजाइन है। मिस्त्री कहाँ के थे? मिस्त्री की जो आप ही शौक आप ही बना। अच्छा, आपने बना दी? आर्किटेक्ट भी खुद ही हो? ये देख लो भाई साहब, पंडितों के दिमाग बहुत चलते हैं शर्मा जी हैं। देख लो, अपने आप बना दी, किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली। नहीं नहीं, ये आप देख लो, ठीक है जी। आपके शर्मा जी बच्चे कितने हैं? बच्चे दो हैं, एक लड़की है। अच्छा, एक लड़का है, लड़का इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में भेज दिया? अरे वाह, मजा आ गया। क्या करते हैं इंग्लैंड में लड़का? इंग्लैंड में एयरपोर्ट पर काम करता है। एयरपोर्ट पर? कितना पैसा? वहाँ तो बहुत पैसे मिलते हैं। देखो उसका सब वो बच्चे अपना सोचे, हम अपना करते हैं। अच्छा, यहाँ मियाँ बीवी हो आप? लड़की की शादी हो गई है? हाँ, लड़की की शादी। तो दोनों मजा ले रहे हैं यहाँ पे हवेली में। चलो बढ़िया है। चलो तो अपनी हवेली घुमाइए और हम बात भी करते हैं। भाई शर्मा जी ने मजा बांधे, देख लो अपना लड़का कामयाब करके इंग्लैंड भेज दिया, इंग्लैंड के एयरपोर्ट में। अगर वहाँ $2000 भी मिलते होंगे, आप समझ सकते हो कितने हैं। ये आप देख लो, कलर देख लो कितना जबरदस्त है भाई साहब इसका, ठीक है। फिर अंदर चलते हैं, नीचे 2 से 3 इसमें कमरे हैं। और शर्मा जी के पास ना एक से एक एंटीक कलेक्शन आपको मिलेगा। ये देख लो इसका, पहले मैं आपको यहाँ से डिजाइन दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, कैमरे में भी नहीं आ रही, इतना बढ़िया डिजाइन है। है, कैमरे में भी नहीं आ रही शर्मा जी। ठीक, ये देख लो, ये देख लो भाई साहब। और इनका एक और शौक है शर्मा जी को, पुरानी चीजें रखने का शौक है, जैसे कि ये देख लो। हाँ जी सर, इसके बारे में बताना शर्मा जी, ये क्या है? ये खूके डंडा है। खूके डंडा, मतलब हमारी भाषा में इसको बोलेंगे रहट। हाँ जी, हल्ट की, हल्ट हल्ट भी बोल देते हैं हिंदी में, बोलते हैं ना हम, खूब बोल देते हैं। अच्छा, ये इसका काम था पहले, क्या है ना, कुएं में से पानी निकाल के सिंचाई करना। एक ये क्या है सर? ये ऊपर लालटन है, न्योला है, ऊंट की काठी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अंदर चलते हैं, ये देख लो भाई साहब, वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी भाइयों को शेयर करें। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं। ये पुरानी लालटन है, ये जर्मनी की है सभी। ये जर्मनी की है? जर्मनी की है, मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी जी, पहले ना इंडिया में तो कम बनती थी। अच्छा अच्छा, और ये पहिए? ये रथ के पहिए। ये रथ के पहिए हैं? और ये क्या रख रखा है आपने? ये पुराना कैमरा है, पुराना जो बड़ी फोटो बनती थी ना पहले। हाँ, इस पर बनती थी पुराना कैमरा है। हाँ, जैसे गुरु नानक देव कृष्ण महाराज की फोटो बनती थी, बड़ी बनती थी। हाँ, फोटो दो फोटो इस पर बनती, इस पे बनती थी। अच्छा, और ये क्या इसको लार्जर भी बोल देते हैं? अच्छा, इसको लार्जर भी बोलते, लार्जर बोलते हैं। लार्जर का मतलब लंबी, लंबी लंबी बड़ी फोटो, बड़ी फोटो। और जी ये क्या है भाजी? जे खुए के ढोल है। ये क्या है? ये किसी संत की लकड़ी है, लकड़ी है उस पर तो छड़ी, छड़ी बोलते हैं ना, छड़ी बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं। अच्छा, ये देख लो भाई साहब, एक से एक बेहतरीन चीजें। कुछ हमें आपने थोड़े से शर्मा जी एंटीक कलेक्शन दिखाओ बस। कोठी तो हमने आपके देख ली, ये देख लो भाई साहब, ठीक है। दोनों मियाँ बीवी रहते हैं और इस कोठी का डिजाइन आप देख लो। पंजाब में आपको काफी कोठियां मिलेंगी ऐसी, ठीक है, लेकिन सबकी कोठी तो नहीं दिखा देते, जिनसे जान पहचान है उन्हीं को दिखाएंगे भाई। ये आप देख लो, बहुत ही जबरदस्त। और ये देख लो भाई साहब, मेरे पास ना ज्यादा तो ज्यादा जी एंटीक बट्टे हैं, एंटीक जैसे पटियाला स्टेट जी,
मलेरकोटला स्टेट जींद स्टेट। ये क्या है भाई साहब? ये है ये गुब्बारे जो जो उड़ते हैं ना गुब्बारे, वो भरने वाले हैं। अच्छा गुब्बारे जो नीचे भर के उड़ते हैं। हाँ हाँ। और ये प्रेस भी आपके पास बहुत सारी है? ये पुरानी प्रेस है। अच्छा शौक कहाँ से लग गया आपको? बस शौक चलते फिरते लगे, चलते फिरते रह गए। ये तो आपने करोड़ों रुपए का सामान इकट्ठा कर बस ऐसे ही हो जाता है। इतना तो होगा ना? नहीं ऐसे ही हो जाता है। ये पुरानी गागर है। अच्छा गागर है। अब ये क्या रखा है? ये पीतल की पुरानी गागर है। पीतल की पुरानी गागर, बहुत बढ़िया जी। ये तांबे की गागर है। ये ये चार प्रकार की गागर है। अच्छा लोहा भी है, पित्तल भी है। हाँ। और तांबा भी है। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। जे मलेरकोटला रियासत की गागर है। मलेरकोटला दा? हाँ नवाब मलेरकोटले रियासत की गागर। अच्छा ओरिजिनल? हाँ ओरिजिनल है। देखो देख लो भाई, इनका कहने का मतलब ये जो मलेरकोटला के राजा साहब थे उनके नवाब साहब, नवाब साहब के ओरिजिनल बर्तन। वाह जी वाह, ये आप देख सकते हैं मतलब बहुत सारी चीजें हैं इनके पास। ये पुराने बट्टे होते थे। ये पुराने बट्टे थे जी, ये पुराने बट्टे थे पहले ना, आज से 100 वर्ष से पहले। जी जी ये बट्टे होते थे, ये बट्टे होते थे। अच्छा आ जाओ। और ये क्या है इसमें? इसकी लस्सी कौन पिएगा सरदार जी? नहीं जी शर्मा जी, ये पुराना गिलास है। मतलब इतना बड़ा गिलास? हाँ गिलास होते थे, 14 इंच का गिलास है। 14 इंच? कितना सामान आता है इसमें? काफी आ जाता। कितना आप पी लेते हैं इसको भर के? पी लेते हो? नहीं। देख लो भाई साहब, पंजाबियों की बात ही अलग है। और अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देख लो इनके पास एक से एक जबरदस्त सामान है। ये देख लो, ये कैमरा है, ठीक है जी। और मैं आपको दिखाऊं, ये देख लो, ये अंग्रेजों के जमाने का कैमरा है, दुनिया का सबसे पहला कैमरा है। पहले पहले कैमरा, ये देख लो, दुनिया का सबसे पहला कैमरा है भाई साहब, आप देख सकते हैं। और एक इनके पास ये साइकिल है, ये जो साइकिल होती थी ना हरकुलिस का, शर्मा जी ये हरकुलिस का साइकिल है। और इसकी खास बात यह है, देखो इस पे लाइट लगी हुई है, ठीक है। इस लाइट की खास बात ये होती थी, ये जब अंग्रेजों के जमाने में पुलिस में इंडियन लोग भर्ती होते थे तो उनको लाइट लगाने ही पड़ता था, सही बात है ना? नहीं तो चलाना पड़ता रात को, लाइट लगा। ये देख लो, ठीक है। इधर थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर, ये आप देख लो, ये है इनका जी खजाना। एक से एक चीज मिलेगी इनके पास। ये आप देख लो, ये चार बर्नल वाला स्टोव भी है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये भी स्टोव ही है, ये शंख है। और जी ये देख लो, एक से एक एंटीक, एक से एक यूनिक ताले अगर किसी को चाहिए तो भी इनके पास मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है भाई साहब। और ये देख लो बोतल, कितनी बड़ी बोतल देखी होगी आपने? मेरे पास 30-30 लीटर की बोतल। अमेजन कर सकते हो, देख लो ये दारू की बोतल है, कितनी बड़ी है, 30-30 लीटर की बोतल बता रहे हैं शर्मा जी इनके पास है। ये देख लो जी, ये देख लो जी, जैक डेनिस। शर्मा जी ये 5 लीटर की, ये आपने तो खाली नहीं की कहीं पी पी के? नहीं कभी कभी ले भी आती है, खा पी भी लेते हैं। अच्छा, खा भी लेते हैं। देखो पंजाब में एक चीज जब खाली हो जाती है तो उसको भर देते हैं। ये देख लो, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर सब मिलेंगे भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ये इसके बारे में बताना, ये बहुत बढ़िया लग रहा है ऊपर। हाँ ये हो है, ये कहाँ से लेके आए शर्मा जी? नहीं जी बाहर से देख रहे, जहाँ पंछी निहालना भी पा रहे हैं उसमें अंडे है। अच्छा पंछी भी है? पंछी आ जाते हैं कोई, पंछी आ जाते हैं, हम उसको हो नहीं करते। हाँ बहुत बढ़िया, ये आप देख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया ये प्रेम शर्मा जी का यूनिक एंटीक कलेक्शन, और उनकी ये हवेली दिखाई। हवेली में 2 कमरे ऊपर है, 2 नीचे है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ऊपर इस पे चला जाऊँ, ऊपर चल। हाँ मैं दिखा दूँ इनको, ठीक है, इनको तो परेशान नहीं करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये हम ऊपर आ गए, ये देख लो संगरूर में है अभी हम, बहुत ही बढ़िया। देखिए आप देख सकते हैं, ये आप देख लो, ये आ गए हम ऊपर, यहाँ से आप देख लो, ये भाई अपना उड़ता पंजाब है। एक से एक कोठी है इस गांव में। और इस गांव की देखो एक खास बात है, ठीक है, और ये चीज़ें हर गांव में होनी चाहिए। रोड देख रहे हो भाई साहब कितनी बड़ी है, 3 गाड़ियां एक साथ निकल सकती हैं, कितना भी हैवी ट्रक हो एक साथ निकल सकता है। हर गांव में ऐसी रोड होनी चाहिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, मकान चाहे बनाते हैं रोड पे धर देते हैं जी बिल्कुल मकान, तो इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। ये आप देख लो, ये इनके ऊपर से नज़ारा है। और इस शर्मा जी अपनी सामान को समेटते हुए, ये आप देख सकते हैं,
ठीक है। तो भाइयों आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।